खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां बाबूपुरवा के लोको सेड रेलवे क्रॉसिंग के पास शुक्रवार से लापता नाबालिग का शव अर्धजली अवस्था में रेलवे ट्रैक की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। वहीं परिजनों ने दो दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, यह पूरा मामला बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकरम का है, जो कि प्राइवेट काम कर अपनी पत्नी रौनक और बेटे अरम और मौजम के साथ रहते थे। परिजनों के मुताबिक कल शाम से मौजम अचानक घर से अपने दो दोस्तों के साथ निकला था और देर शाम तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं मिला। परिजनों ने सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए उसकी फोटो मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से की अपील की, मगर फिर भी बेटे का कुछ पता नहीं चला। शनिवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस को बच्चे के शव की जानकारी दी, जिस पर लोको सैड रेलवे ट्रैक के पास पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को देखा और मृतक की निशानदेही के आधार पर मृतक के परिवार को सूचना दी। वहीं परिजनों ने जाकर देखा तो बेटे का शव अर्धजली अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ। हत्या की घटना पर कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने मामले में तत्काल फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया और पूरी घटना की तरीके से जांच शुरू करवाई। पुलिस को जांच के बाद मृतक के शव के पास से गांजा भी बरामद हुआ है। बताया यह जा रहा है कि हत्या करने वालों ने पहले नाबालिग की रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या की, बाद में शव को जला दिया। वहीं मौके पर पहुंची डीसीपी दक्षिण रवीना त्यागी ने बताया, बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है, जांच की जा रही है। परिजनों के मुताबिक मृतक के दो दोस्तों को हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं मामले की पूछताछ जारी है, जल्द मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। आज बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बालक की डेड बॉडी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड आदि सभी ने जांच करी। जो मृतक है उसका नाम मुअज्जम सन ऑफ जावेद है, जो कि मुंशीपुरवा बाबूपुरवा का रहने वाला है। परिवारीजनों ने दो लोगों पर शक जाहिर किया है, जिनके साथ वो कल शाम को निकला था घर से। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।